हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसका हम प्रोसीजर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉपर आयंस की आयोडोमेट्रिकली टाइट्रेशन। तो ये जो टाइट्रेशन है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें मेरा कॉपर आयंस प्रेजेंट है। तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद में हम यहाँ पर जो है 20 ml सोल्यूशन को पिपेट आउट कर लेंगे पिपेट की हेल्प से। यहाँ पर जो वॉल्यूम है, ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ कि हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं एकदम सामने की तरफ से। यहाँ पर आता है आपके पास में एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो जैसे ये 20 ml को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इससे आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं शो कर पाई हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर जो है वीडियो अलाउड नहीं है। बट उसके अलावा जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शो कर दूँगी। तो इसके बाद में आपको इसके अंदर ऐड करना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब तक आपके सोल्यूशन जो आपने 20 ml पिपेट आउट किया है इसके अंदर टर्बिडिटी नहीं आ जाती है, तब तक आपको उसमें ऐड कर देना होता है। अप्रॉक्सीमेटली आप 1 spatula ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, इतना आपको उसके अंदर यूज़ हो जाएगा। बिकॉज मैंने यहाँ पर 20 ml लिया था सोल्यूशन। अब जैसे ही आपके पास में टर्बिडिटी आ जाती है, उसके बाद में आप इसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल सकते हैं, जब तक कि आपकी वो टर्बिडिटी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर सोल्यूशन के अंदर चेंज नहीं हो जाती है तब तक। उसके बाद में आप इसमें KI ऐड करेंगे, एक्सेस ऑफ KI, पोटेशियम आयोडाइड। तो आपके पास में कुछ इस तरीके का सोल्यूशन आ जाएगा, इसे हम कवर अप करके रख देंगे डार्क में। सो डार्क में आपकी रिएक्शन होती है और आयोडीन जो है इसमें से लिब्रेट हो जाती है और आपका जो सोल्यूशन का कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको जो है सोल्यूशन का कलर दिखेगा। इसको देन हम टाइट्रेट कर देते हैं विद थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्यूरेट के अंदर, जिसको मैंने फिल किया हुआ है ऑलरेडी ही। तो इसके साथ में इसको टाइट्रेट करेंगे और टाइट्रेट आपको तब तक करना है जब तक ये आपका थोड़ा पेल येलो कलर नहीं आ जाता। तो काफ़ी लाइट येलो कलर आ जाएगा, देन आप इसमें टाइट्रेशन जो है स्टॉप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कलर ट्रांजिशन जो है देख सकते हैं, पूरा डार्क से लाइट की तरफ ये हो रहा है। सो डार्क ब्राउन से आपके पास में थोड़ा लाइट येलो कलर आ जाएगा और इसके बाद में हम इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं, 1 or 2 drops ही लगता है इसके अंदर। और आपके पास में इस तरीके का कुछ ब्लू ब्लैक कलर का सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे आपके पास में ये सोल्यूशन आ जाता है, आप इसको अगेन टाइट्रेट कर सकते हैं बिल्कुल सेम उसी ब्यूरेट से ही जैसे अभी आपने टाइट्रेट किया था, वहीं से आपको कंटिन्यू कर देनी है रीडिंग। तो उसके अंदर आप विद इन फ्यू ड्रॉप्स के अंदर आप देख पाओगे कि आपका ये जो ब्लू ब्लैक कलर आया है सोल्यूशन के अंदर, ये जो है लाइट होता चले जाएगा, मीन्स डिसअपियर होगा और जाएगा वाइट कलर में। तो ये कलरलेस नहीं होगा, ये वाइट कलर का होगा। तो वाइट कलर आपको डिटेक्ट करना है, जहाँ पर भी वाइट कलर आ जाता है वही आपका एंड पॉइंट है, वहाँ पर आपको टाइट्रेशन जो है स्टॉप कर देनी है। अब इसके अंदर जैसे मैं थायोसल्फेट को ऐड कर रही हूँ, तो इसमें कई बार क्या होता है कि हम जैसे ऐड कर रहे हैं थायोसल्फेट को, तो जो साइड्स वाला पोर्शन है इस सोल्यूशन में, वहाँ पर तो आपको वाइट कलर ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन जो उसका मिडल पोर्शन है, जो सेंटर वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको इसके बाद में भी आपको जो है थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश कलर दिखेगा। तो वहाँ पर आपको स्टॉप नहीं करना है, वो अगेन आप थोड़ी देर रख कर भी देखोगे ना, तो उसके बाद में आप देखोगे कि पूरा कलर ऑटोमेटिक जो है वो डार्क ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका भी एंड पॉइंट नहीं आया है, आपको उसमें और थायोसल्फेट ऐड करना है जब तक कि वो पूरा का पूरा वाइट कलर में आपको नहीं मिल जाता है। आप चाहें तो उसको थोड़ी देर रख कर और तब भी देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन जो है काफ़ी देर से रखा हुआ है और वो वाइट कलर में ही है। जो भी आपकी रीडिंग आई है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग आपको दोनों नोट डाउन करनी होती है।
फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में आप सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड देन इसको हम डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे। 2-3 times आप वॉश कर सकते हैं। देन अगेन आप पिपिट आउट कर सकते हैं अपना कॉपर सल्फेट वाला जो सोल्यूशन है जिसमें आपके कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं, एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हैं इसी प्रोसीजर के साथ में सेकेंड आइट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करते हुए मुझे थोड़ा टीचर्स का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी यहाँ पे काम करने में, बट आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। एंड बाकी आप प्रोसीजर देखिए, पूरा देख सकते हैं, मैंने पूरा दिखाने की कोशिश करी है वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर भी मैं फिर से पिपेट आउट कर रही हूँ सोल्यूशन को। हॉरिजॉन्टली देखेंगे बिल्कुल सामने से, जहाँ पर आपका मार्क है वहाँ तक सोल्यूशन को लेंगे एंड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम इसको पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। अगेन इसको हमने डार्क में रखा है, आप 5 minutes तक रख सकते हैं डार्क में, आराम से आपका उसमें जो है आयोडीन लिबरेट हो जाएगा और सोल्यूशन एकदम डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। एंड देन आप उसको थायोसल्फेट के साथ में टाइट्रेट कर सकते हैं और ब्यूरेट को आप रिफिलिंग कर सकते हैं बार बार अगर आपका सोल्यूशन जो है ज़्यादा यूजअप हो रहा है। तो देखिए आपको इस तरीके का सोल्यूशन मिलेगा, ये थोड़ा डार्क ब्राउनिश कलर है, कैमरे में थोड़ा कलर चेंज अलग भी हो सकता है बहुत थोड़ा सा, वैसे जो है बिल्कुल एक्यूरेट ही दिखा रहा है इसके अंदर। इसको हम फिर से टाइट्रेट करेंगे थायोसल्फेट के साथ में और इसको लेके जाएंगे हम थोड़ा पेल येलो कलर में, लाइट येलो कलर आएगा एकदम, आपको वो अलग से ही दिख जाएगा। इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्टार्च इंडिकेटर, तो आपको मिलेगा ब्लू ब्लैक कलर। जब आप स्टार्च इंडिकेटर इसमें ऐड कर देते हैं तो उसके बाद में आप इसमें ड्रॉप वाइज ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो है वाइट कलर जो है एकदम से आ जाता है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए विद 1 or 2 drops, तो आपको इजीली एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से रीडिंग्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गई है सेकेंड कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, इसी तरीके से आपको एक थर्ड कॉनकॉर्डेंट रीडिंग भी लेनी है, वो भी आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू की होनी चाहिए जैसे आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड आई है। अब फिर से कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर लिया है और अब प्रोसीड करेंगे इसमें थर्ड टाइट्रेशन के लिए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है। You.
तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।